कम से कम अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। जी अब सवाल ये है सर कि मनरेगा द्वारा जो मजदूरी मिलता है इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास के भुगतान जो होने के बाद है, जी तो वो किन्हीं के पास मजदूरी नहीं मिला है, सभी का खाता और आधार कार्ड लेकर के आया है। अच्छा, मैंने तकरीबन इसका चर्चा दो साल पहले से गवन हुआ है क्या दीदी चाची, सही बात है ना? पर मजदूरी जो मनरेगा का जो लेबर का मजदूरी होता है 18,000-22,000 रुपया जी जो सरकार निर्धारित की है जितना लेबर की मजदूरी, तो 95 दिन का मजदूरी इन लोगों को अपना रोजगार सेवक हो या तो पीटीए साहब हो, चाहे तो जेई साहब हो, चाहे तो पीओ साहब हो, अपने अपने रिश्तेदार और परिवार और दोस्त यार के खाते पे भेजे हैं वो पैसा। मुखिया जी का क्या काम है, मुखिया जी जनता की? हमारा गरीब जनता हमारे पास आता है रिकुगाने के लिए कि मुखिया जी पैसा नहीं मिला है, तो मैं एक पैसा नहीं, गौ का खून बराबर है सर, अगर कोई कह देगा तो कालिप तोप करके मैं अपने चले जाऊंगा जेल। आपने कैसे अपने डुंगल को, अपने अधिकार को दूसरे के हाथों में कैसे दे दिया? इसलिए दिया कि सर हम अनपढ़ आदमी हैं, हम पढ़ा लिखा नहीं है, ना मेरे पास कोई डिग्री, हाँ सिग्नेचर मैं साक्षर हूँ पर अनपढ़ हूँ मैं। कि मुखिया जी भी है जो सरकारी योजना का कुछ तालाब योजना जो अपने परिवारों के बीच, हाँ, में जो तालाब हमने किया, तालाब मैंने धरातल पर खनवाया हूँ, धरातल पर काम करवाया हूँ, हाँ है, है। जितना भी वाले को ही जितना भी मैंने काम किया हुजूर महोदय, मैं कचिया किया चाहे पकिया किया, जो भी किया छोक के किया और काम करके किया धरातल पर, ये लोग के जैसा कुदार चपाड़ दिखा करके जंगल किनारे, क्या सही बात है ना जी, कुदार चपार जंगल के किनारे दिखाता था, फोटो खिंचाता था, पीओ साहब वहाँ पीआरए साहब को हाजिरी लग जाता था। तो एक तरफ बिहार में मुखिया जी को कामों को लेकर जो है प्रशस्ति पत्र मिल रहा है और दूसरी तरफ मुखिया जी जो है अपने कामों के लेकर जो है धरने पर बैठे हुए हैं, सरकारी कामों के लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। और मेरी मौजूदगी आपको दिखा दें कि अभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय रोह में नवादा में है और नवादा में आज जो है एक मुखिया जी हैं कोसी रुक्की पंचायत के हैं जो आवरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जानेंगे मुखिया जी से कि आखिर क्या कारण, क्या वजह रही, मुखिया जी को क्यों अनशन पर बैठना पड़ा। मुखिया जी जनता के लिए होते हैं, जनता के वोटों से चुन कर आते हैं और आखिर क्या मजबूरी पड़ गई कि मुखिया जी को धरना पर बैठना पड़ा। आइए बात करते हैं उनसे, देखिए मुखिया जी बैठे हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे, सारी बातों को जो हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर मुखिया जी देख सकते हैं और कोसी रुक्की पंचायत के आम जनता, आम जनमानस जो है बैठे हुए हैं और देख सकते हैं कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हैं और जानने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी धरने पर बैठे हुए हैं, आवरण अनशन पे से पर बैठे हुए हैं, आवाज से इनका आवरण अनशन, क्या कारण, क्या मजबूरी पड़ी, चूंकि मुखिया जी पंचायत के मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और जनता के वोटों से जीत कर आते हैं। मुखिया जी जनता के वोटों से जीत कर आप आ गए, पहले तो आपको स्वागत और धन्यवाद जी, और हमारे जितने ग्राम पंचायत के माता बहन भाई बंधु आए हैं जी, इन सबों को भी प्रणाम और धन्यवाद जी कि कम से कम अपने हक के लिए यहाँ आए हैं जी। अब सवाल ये है सर कि मनरेगा द्वारा जो मजदूरी मिलता है इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास के भुगतान जो होने के बाद जी, तो वो किन्हीं के पास मजदूरी नहीं मिला है, सभी का खाता और आधार कार्ड लेकर के आया है। अच्छा, मैंने तकरीबन इसका चर्चा दो साल पहले से गवन हुआ है क्या दीदी चाची, सही बात है ना? दो साल पहले से ही गवन करते करते अभी तक गवन करते आ रहा था। अच्छा, मनरेगा में हुआ है या प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलती है? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो द्वारा, जो प्रखंड द्वारा जो मिलता है 1,30,000 रुपया वो सभी को मिला है जी। पर मजदूरी जो मनरेगा का जो लेबर का मजदूरी होता है 18,000-22,000 रुपया जी जो सरकार निर्धारित की है जितना लेबर की मजदूरी, तो 95 दिन का मजदूरी इन लोगों को अपना रोजगार सेवक हो या तो पीटीए साहब हो, चाहे तो जेई साहब हो, चाहे तो पीओ साहब हो, अपने अपने रिश्तेदार और परिवार और दोस्त यार के खाते पे भेजे हैं वो पैसा। मुखिया जी का क्या काम है, मुखिया जी जनता की? हमारा गरीब जनता हमारे पास आता है रिकुगाने के लिए कि मुखिया जी पैसा नहीं मिला है, तो मैं एक पैसा नहीं, गौ का खून बराबर है सर, अगर कोई कह देगा तो कालिप तोप करके मैं अपने चले जाऊंगा जेल, हमें एसपी साहब की जरूरत नहीं पड़ेगा और बड़ा बाबू की जरूरत नहीं पड़ेगा। मुखिया जी अपने स्तर से क्या पहल की इसमें? हमने अपने स्तर से पहल किया, आवेदन दिया मैंने पीओ साहब को, पूर्व पीओ को, वर्तमान पीओ साहब को कि, और मैंने कहा कि सर हमारा गरीब गुरबा का पैसा चाहे तो वो खा गया है पीआरएस, लेकिन कोई बात नहीं, आप योजना का पैसा इनको सबको गरीब को भेजा दीजिए, वो भी काम नहीं किया, थक गया हूँ, हार गया हूँ, तंग। किनके माध्यम से ये काम नहीं हुआ? पीआरएस, जैसे पीआरएस वगैरह ये सब, अरे भाई उसका तो पैसा पहले ही अपना निजी रिश्तेदार परिवार पर भेज चुका है जी, इनका सभी का पैसा अपने निजी परिवार के और आर दोस्त के परिवार पर भेज चुका है, गबन कर गया है। आपने कंप्लेन कहा? हमने कंप्लेन पीओ साहब तक किया, डीडीसी तक किया, जिला महोदय साहब के पास में गया,
मौखिक भी बोला, लिखित भी दिया हूँ। जो आश्वासन क्या मिला? आश्वासन ठीक है, देखते हैं, कोई नहीं है, कहाँ है, आप लाइए जांच करवाइए। तो हम अनपढ़ आदमी, अब इनके सभी मिले जुले हैं सर, पीओ साहब का हाथ है ये है, पीडीए साहब का हाथ है ये है, जेई साहब का हाथ है ये है, पीआरएस का हाथ है ये है, काउंटेंट जो है उनका हाथ है ये है, जो अभी जो ऑपरेटर है वो सभी का हाथ है। तो कौन मेरा साथ देने के लिए तैयार होगा सो बताइए। हम गिड़गिड़ाते थक गए हैं। तो अंतिम में और दूसरी बात है सर जी, ये हमारे ग्राम रुखी में केदार यादव के खंड से लेकर के आत्री सेठ तक ले, क्या चाची दीदी एक आग गिट्टी पड़ा हुआ है? कितना गड्ढा है? कितना गड्ढा है? एक हफ्ते होना क्या वहाँ पे जो अधिकारी पैसा खाया उनको ले जाके खड़ा किया जाए कि नहीं किया जाए? पीओ साहब को मैं कहते कहते केदार यादव। और केदार यादव कौन है? केदार यादव हमारे गांव के एक है। अच्छा, उनका क्या इससे संबंध है? उनका बेटा एक शिक्षक है। अच्छा, सुरेश यादव। अच्छा। वही हमारे यानी पढ़ा लिखा काबिल मैं समझा आया, हमको चुनाव में सहयोग किया। देखिए चुनाव में तो सब कोई करता है सहयोग। अच्छा, ऐसा मतलब आपके सहयोगी। क्या मैं अपने से मुखिया बन सकता था? नहीं बन सकते थे। हमारे ग्रामीण वोट दिया, कुछ दो गो बोला कि नहीं मुखिया जी अच्छे ईमानदार पुरुष है, इनको वोट दीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। मैंने चुनाव जीता और मैं भी ईमानदारी से उनको अपना डोंगल। आखिर बीच में कैसे ये सब हो गया? बीच में जब हमें इन लोगों को पैसा जब पता चला हमको कि इन लोगों को पैसा गबन कर गया है, तो मैंने पूछा कि मास्टर साहब अरे सैन होता है इन लोगों को, मैं पूछा कि भाई ऐसे कैसे पैसा गबन कर जाएगा मेरा बिना सिग्नेचर का। ठीक है, तो हमने जब जांच किया वहां पे पता चला कि हाँ बिना सिग्नेचर का ही पैसा पीआरएस धर्मेंद्र रोजगार सेवक और जो अकाउंटेंट स्वामी जी है, जो जिला में अकाउंटेंट स्वामी है, वो भी बोला रहे तेलिया जाओ ना तू क्या बिगाड़ लेगा, हमके स्वामी जी जरा मेरा भुगतान आदेश पर सिग्नेचर देख करके ही पेमेंट कीजिए ना, नहीं होता है तो क्यों, क्या मेरा भुगतान आदेश के बगैर आपको पेमेंट करने का है इजाजत? तो बोल हाँ है इजाजत, जाओ ना तुम क्या बिगाड़ लेगा। अब क्या बोले सर, आपका डोंगल ये कौन देखता है? डोंगल देखता था, अभी तो फिलहाल 10 महीना से हम अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन 10 महीना पूर्व सुरेश यादव और एक नरेश यादव गुढ़ियारी के है, उनके बेटा है, एक गुरु नाम है, वो ही रखता था, देखता था। अच्छा, हाँ, और पीआरएस धर्मेंद्र तीनों मिल करके इस तरह से सारा, मतलब आपसे बातचीत नहीं होती थी। और हमको बोला कि आपने कैसे अपने डोंगल को, अपने अधिकार को दूसरे के हाथों में कैसे दे दिया? इसलिए दिया कि सर हम अनपढ़ आदमी हैं, हम पढ़ा लिखा नहीं है, ना मेरे पास कोई डिग्री। हाँ सिग्नेचर मैं साक्षर हूँ पर अनपढ़ हूँ। मैं विश्वास किया सुरेश यादव पर कि चलो भाई हमारा मित्र है, हमारे दोस्त हैं, शिक्षक है, तो मैं कहा भी, वो बोला कि तू छोड़िए मुखिया जी लाइए हम सब कुछ करते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा भाई मास्टर साहब आप पर भी कलंक कहीं लग जाए, आप शिक्षक हैं तो नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं होगा, आप दीजिए ना हमें डोंगल, कोई दिक्कत नहीं। हम और दोनों मिल करके करवाया काम, वही सब किया है। हमने कहा ईमानदारी पूर्वक काम करो गरीब गुरबा का। और एक सबूत के तौर पर देता हूँ कि कैसे नहीं सुरेश यादव इन्वॉल्वमेंट है, मैं मुखिया अरविंद कुमार गुप्ता हूँ, ठीक है ना जी, मेरा नाम से देख लीजिए कि एकागो भी पशु सेड रहेगा तो एकाग सो जूता मारिएगा, सब जितना माई बहन है सब मारेगी एक अगला पड़ा। जो सूचना आई फीडबैक मुखिया जी, और वही सुरेश यादव जो शिक्षक है उसके अपने ही घर में 13 गो पशु सेड पास है सुरेश यादव के घर। आखिर मुखिया जी क्या कर रहे थे ये? अरे मुखिया जी अनपढ़ आदमी थे सर, वही बात तो कह रहे, डिजिटल साइन आपके पास था और फाइल पे साइन नहीं करवाइएगा मुखिया जी, तो मुखिया जी को क्या पता चलेगा पत्रकार महोदय? जो मेरा अधिकार है हम दूसरों के पूछने दे गया, कहीं कहीं पूछा भी मैं अधिकारी को, मैं पूछा करते करते 6 महीना तो अधिकारी टाल मटोल किया, पीओ साहब लोग रोज हाँ मुखिया जी काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। आज हमारे मेट नहीं आए होंगे लगता है, जीविका का सीएम जो है दीदी जितना है वो उनको 22 गो को हम लोग मेट बहाल किए थे मीटिंग करके, क्या जी सीएम साहब आइए जरा यहाँ पे बैठिए यहाँ पे हमारे कोसी रुखी। अच्छा, पंचायत के सूचना मिल चुकी आपने सुरेश यादव और कई लोगों पर किया, कई लोगों से जो फीडबैक मिला चूंकि हम लोग को खबर मिलता है, सूचना मिला कि मुखिया जी भी है जो सरकारी योजना का कुछ तालाब योजना जो अपने परिवारों के बीच में जो तालाब हमने किया, तालाब मैंने धरातल पर खनवाया हूँ, धरातल पर काम करवाया है, जितना भी वाले को जितना भी मैंने काम किया हुजूर महोदय, मैं कचिया किया चाहे पकिया किया जो भी किया छोक के किया और काम करके किया धरातल पर। ये लोग के जैसा कुदार चपार दिखा करके जंगल किनारे, क्या सही बात है ना जी, कुदार चपार जंगल के किनारे दिखाता था, फोटो खिंचाता था, पीओ साहब वहाँ पीआरए साहब को हाजिरी लग जाता था। मुखिया जी कहीं सुतले रहिए घर में, उसे कोई दिक्कत नहीं। मुखिया जी बारे में भी पता चलता है, रिकॉर्ड करते हैं फोन से बात करते हैं। तो क्या करेंगे, आतुर बस में करे कुकर्मा मांगे बिछा छरे छारे धर्मा, जब हमको उल्लू कितना दिन बनाइएगा पत्रकार साहब, आप ही खा लिया माइक लेकर के बोल रहे हैं तो आप ही इंसान है, हम लोग मेहमान है और हम बेमान है तो नहीं रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। और इसमें आज बता रहा हूँ 14 महीना से
मेरा एक भी योजना अगर मनरेगा में चालू रहे तो बताइए। और वही समिति का अनलीगल योजना काम करवा करके देखिएगा कि भौचर तक लग गया है, मास्टर रोल निकल के भौचर तक लग गया है, और अभी पुल ढलैया भी नहीं हुआ है, पुल उड़िया भी जाएगा, ऐसा तो पीओ साहब अभी कितना दिन ये धरना आवरण जब तक हम जो प्रखंड विकास महोदया के पास आए हुए, इनके शरण में आए हुए, मांग क्या है? मांग मेरा यही है कि सारे योजना को जांच किया जाए और गरीब गुरबा को पैसा दिया जाए। मेरा अनशन समाप्त। शुभ नाम बता देंगे? शुभ नाम मेरा अरविंद कुमार गुप्ता हुआ, और वर्तमान मुखिया भी कोसी रुखी पंचायत का हूँ, और इसके पूर्व भी मुखिया मैं ही था सर। दो टर्म से मुखिया हूँ मैं। मेरा घर में देख लीजिए, या तो ऐसा कीजिए, मेरा ससुराल दो जगह है भाई, हम दो शादीशुदा है, ठीक ना? अच्छा, हाँ, जो बात है वो भी बोल देते हैं। हमारा दोनों मैडम के नानी गुस्ती खानदान का भी खाता चेक करा लीजिए, मेरा नानी गुस्ती का खानदान का चेक करा लीजिए, मेरा फूफा फूआ दादा दादी का करा लीजिए कि कहाँ हमारे पैसा गया है और कने पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है और कने क्या हुआ। इन लोग को जो पीआरएस है, पीटीए है, जेई है, जो सुरेश यादव है, इन लोग को खाता चेक किया जाए कि कहाँ कहाँ अपना नाम से प्लॉट खरीदा है, रोह में कहाँ नवादा में खरीदा है, कहाँ पटना में खरीदा है, ये सबको मिल जाएगा आप सबूत। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पत्रकार साहब। तो हमारे साथ में मुखिया जी, वर्तमान मुखिया अरविंद कुमार गुप्ता जी थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आज आवरण अनशन पर रोह प्रखंड के कार्यालय में बैठे हुए हैं और बिहार की सरकार और सिस्टम से सवाल कर रहे हैं कि आखिर मेरे खिलाफ, मेरे बिना आदेश के हमारे जो अधिकार जो है कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का लगातार जो है खेला बिहार में चलते रहता है। अब मुखिया जी को एक तरफ प्रशस्ति पत्र मिलता है, दूसरी तरफ मुखिया जी को धरने पर बैठना पड़ता है। तो समझ सकते हैं बिहार के सुशासन सरकार से और नवादा के जो पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी है, उनसे सवाल है, क्योंकि आखिर इस खेले के पीछे में कौन है, आखिर कौन इतनी राशि की का जो है गवन कर रहा है, आखिर इस सिस्टम को कौन अपने जो है पास में जो ऑब्जर्व कर लिया है। जी बोलिए। और भी वही जो ऑब्जर्व किया है, वही तीन चार लोग जो है धमकी दिया है, तीन चार को रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, ये जिला प्रशासन को भी दिए हुए, एसपी महोदय साहब को भी दिए हुए, हमने खुद सामने अपने व्हाट्सएप नंबर वो दिए मुझे, तब मैं उनके ना व्हाट्सएप पे भेजा हूँ, उनको मैसेज भी किया हूँ, उसका भी प्रूफ मेरे पास में है महोदय, ठीक है ना? ये सारे चीज़। और वो सुरेश यादव धमकी दिया मारने के लिए और साजिश भी रचा, जो रिकॉर्डिंग में साफ दर्शाता है। चलिए, ठीक है ना? और इसीलिए मैं करीब एक महीना से बाहर था, मैं जहाँ तहाँ रह रहा था, भाई क्या करूं, मैं मार देगा। बुधौली मुखिया, बुधौली के रहने वाला है। बिल्कुल मुखिया जी, धर्मेंद्र जो है बुधौली का ही रहने वाला है। बाहर में कितना दिनों से थे आप? करीब हम लगभग 31 दिन के बाद लौटा हूं। काम कौन देख रहे थे? काम बस कुछ नहीं, काम जिनको जनता का फोन से बात हुआ, नहीं तो काम कोई नहीं। चूंकि काम तो हो रही होगी ऑनलाइन, नहीं हम ऑनलाइन योजनाओं का, बस योजनाओं का यही सिर्फ की बंद था, नहीं सारे बंद था, लेकिन सिर्फ एक जो अपना पीएम विश्वकर्मा योजना में हमारे सब जो गरीब बहन जो सब जो भरी है। तो मुखिया जी क्षेत्र से बाहर रह के दूसरे जिला में काम कर रहे थे? कर रहे, क्या करे, तो मजबूरी है, मार जान मरवा लूं अपने आप को, तो कौन देखेगा इनको? हमारा जो दूगो मैडम है उनको कौन देखेगा भाई, बिना निरीक्षण? हमारा जो माई बहन जो इतना आशा लगा के आई है, आखिर इन लोगों को कौन देखेगा? आखिर स्थलों पर निरीक्षण मुखिया जी के करके योजनाओं का अनुशंसा करना पड़ता है, कैसे कर रहे थे? क्योंकि जब बाहर, जब एक महीना से बाहर हैं, कूद रहे हैं स्थल पे, अब देखिए हम जान रहे हैं कौन निरीक्षण कर रहा था स्थल पे। हमारे मुखियान जी थी, हमारे भाई थे, वो जानते हैं, वो हमारा भाई सांजिल भाई सुरेंद्र कुमार है, वो भी जानता है कि हमारा पंचायत के सब जनता है, इसलिए उन्होंने लिया और साइन अभी हमने किया हूँ, कुछ कागज अभी बाकी है जो साइन कर देना है और सबको अभी कहीं ना कहीं मुखिया जी आरोप नहीं उस पे फलना जो हमारे जो है वो मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, मैं अपने गरीब बहनों के लिए किया हूँ। जो भारत सरकार जो पीएम विश्वकर्मा योजना का नाम दिया है, वो हमारे पास में आईडी आया इनका, हमने इनको ओके किया हूँ और सबको मैं आईडी तो सब आप ही के पास जी आता यूजर आईडी हमको मिला था, मैंने उसका दुरुपयोग नहीं किया, सतुपयोग किया, जो हमारे गरीब बहनों को लाभ मिले बस। चलिए, तो हमारे साथ मुखिया जी थे जो आवरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इनका एक ही मांग है, इस पंचायत को जांच हो, सही तरीके से जांच हो और जो भी दोषी हो, चाहे मुखिया जी हो या यहाँ के कर्मी हो चाहे पदाधिकारी हो, उन पर कार्रवाई हो। बहरहाल इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।